ओ सिड्डू ऊपर से गिर गई, मैं बच गया। वो तो शुक्र है इसने तस्वीर ना बचा लिया मुझको। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, इन हम लोग का गौरव पर, मैं आपका अपना गौरव। तो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग का। आज जो डेट है वो है 18 मार्च 2021 और दिन है थर्सडे, बृहस्पतिवार का दिन है। और सुबह की आपको राम राम। जो है अब जो है होली भी आने लग रही है पास। मौसम तो ठीक ठाक हो गया है, इतना दोबारा से जो है ठंड सी हो गई है, गर्मी इतनी नहीं रही। दिन में तो ज़्यादा गर्मी रहती है और वही अपना लाइफ बीत रही है। और माँ आज मम्मी बना रही है कटहल। कटहल बताइएगा मुझे। हेलो राम राम जी, बड़ो राम राम। तो लोगों को प्यार और आशीर्वाद, आज मैं बना रही हूँ कटहल। मम्मी आज कटहल बना रही है, तो आपको दिखाएंगे कटहल कैसे बना रही है मम्मी। मम्मी ने प्याज डालकर जो है इसको भून रही है प्याज को। अभी मम्मी ने इसमें जो है टमाटर डाल दिया है, मिर्च और अदरक भी साथ में। वर्षा अभी सो रही है और अभी थोड़ी देर में उठ जाएगी और फिरम भी अभी आ लेगी, शायद शनिवार को या संडे वाले दिन आ जाएगी। फिर जो है फिरम के घर से जो है कोसली आएगी। पहली कोसली आती है जो है लड़की के घर, लड़की के घर जहाँ उसका घर होता है, पियर होता है, वहाँ पर आती है। तो जो है कोसली लेकर आएंगे। कब को आए कोसली लेकर मम्मी? संडे या मंडे, मंडे वाले दिन आएंगे वो कोसली लेकर। खातिरदानी करनी है अपन की। जो है इसमें हल्का सा पानी डालकर जो है इसको अच्छे से भून देगी। अब ठीक हूँ पर थोड़ा सा गला है ऐसे ही खराब सा हो रहा है। मैं पहले से बेटर हूँ, ठीक हूँ। वैसे कटहल तल कर तेल चढ़ा कर उसमें तल, जैसे पकौड़ी तली जाती है ना, इस तरह तल का बनता है। हम तल का नहीं बनाती मैं, क्योंकि ये कम तेल का खाते हैं सब सभी। तो मैं उबाल के इसे मसाले में भून दूंगी, इसलिए बहुत अच्छा बनता है। ये देखे उबाल लिया है हमने। और जो है मम्मी अब ऐसे ही, वरना हम कम तेल खाते हैं इसलिए, इसी वजह से जो है मम्मी जो है इसे उबाल कर बना रही है, तल के नहीं। ये देखिए हमारी फिश कैसे भागी फिर रही है, ये गोल्डन वाली। तो ये जो है प्याज है, प्याज कितनी अच्छी हो गई है, जो हमारा मसाला था। और मम्मी जो है इसमें भी गर्म मसाला डालेगी, जो इसमें कटहल ऐड कर रही है, जो मसाला है हमारा। ये देखिए इतना ही था वो बस। अब ये जो है बनकर रेडी हो चुका है और सिंपल तरीके से बना है और जल्दी बन जाता है। और इसमें हरा धनिया डाल रही है मम्मी। अब आप भी घर में ऐसे रेडी कीजिए, अच्छा लगता है कटहल, अगर जल्दी जल्दी बनाना है, वरना अपने तरीके से बनाइए। अब तो मौसम आ गया कटहल का, अच्छा लगता है कटहल खाने में। ओके दोस्तों, तो मैं रेडी हो चुका हूँ, अब चलने के लिए तैयार। और अब चलता हूँ यार घर। तो अब जो है टाइम भी हो चुका है, 8:06 हो चुके हैं। वो अब चलते हैं बस यार, पूरा दिन जो है। कौन ये देखे, वर्षा उठ चुकी है और फिर हमका फोन आ रहा है। वर्षा बात कर रही है फिर हमसे। खाना बनाकर मम्मी बैठी है आराम से और मैं चलता हूँ अभी। पेट जो है मेरा खिलने लगा है और देखते हैं कितने दिन में बड़ा होता है। 3 दिन तो हो गए इसको और जो इसके पत्ते भी हरे होने लगे हैं। अब देखते हैं, लेट्स सी कितना टाइम लगता है इस चीज में। शर्माइयो शर्मा का दिखाओ। ओ भाई शर्मा की लड़की, क्या क्या देखूं, क्या लेकर आई देखूं? धूमबत्ती। धूमबत्ती ले रही है, पूजा करेगी क्या, कान्हा जी की पूजा। हेलो गाइस, तो मैं घर आ चुका हूँ, अभी जॉब से आया हूँ। 7:30 बज चुके हैं, तो आते ही गर्म पानी पीने को मिल गया है। ये रहा गर्म पानी, दे दिया है मम्मी ने, तो गर्म पानी पी रहा हूँ थोड़ा सा। अब जो है तबीयत सही है तो गर्म पानी का सहारा है, पीते रहो और जीते रहो। ये देखिए मम्मी बना रही है आलू के पराठे, आलू के पराठे बना रही है। और ये पुदीने की चटनी साथ में, सही है। और ये देखिए वर्षों क्या पाया, क्या पाया वर्षा? 5 रुपये मिले, पापा जी के देते हैं आप। ले भाई वर्षों को तो 5 रुपये मिल गए। वाह भाई वाह, वर्षा मौज कर दी, तो 5 रुपये मिल गए। और क्या मंगाओगे इसका? चॉकलेट। जा
तू एक तो सफाई करवाती फिर रही वा, मैं बचपन में चॉकलेट खाई थी, टॉफी खाई थी। तू भी जाइए फिर, मैं जीजा जी कर दो साथ, साफ साफ कर दो। पूरा दिन बिजी होने के बाद अब आराम करने का टाइम आ गया है, और अब आराम करूँगा मैं बस लेट कर। खाना खुना तो अभी थोड़ी देर में खाऊँगा, मुँह हाथ धोऊँगा अंदर बस, उसके बाद जो है खाना खाऊँगा। मम्मी बना रही है पराठे, तो मैंने बोला कि मेरे लिए तो सादी रोटी बनाना और चटनी के साथ, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल यार। चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और कुछ नहीं चाहिए। ये देखे घर में अभी साफ़ सफाई चलेगी होली की वजह से, और मेहमान भी आएंगे तो ये सब पर्दे उतार के साफ़ करने हैं। और पापा जी जो है ऊपर चढ़ गए, और जो है इसको पाइप को जो है निकालेंगे, इसमें से जो है पर्दे निकालने हैं हमको, जो है अभी इसको ढीला कर रहे हैं। जो है निकल गया पाइप इसमें से, लिया लियो। एक निकल गया, छोड़ दो। इसे फसवा नीचे छोड़ दो। देखें सभी पर्दे नीचे आ गए, अब ये साफ हो गए, और पावरी जो है पहले की तरह इसको फिक्स कर रहे हैं यहाँ पर। भाई ये वाला भी निकाल लीजिए साथ ही साथ, जिनसे फ्यूज हो गया था बदल गया, आ जाएगा अब भी चला जाएगा करंट में, तो अब भी है एक साल तो वही नहीं इसको। ऐसे बल्ब निकलेगा क्योंकि जो है बल्ब ख़राब हो गया था हमारा जब लाइट तेज आई थी, तो अब इसको चेंज करके लाएगा क्योंकि अभी ये गारंटी में है, एक साल गारंटी में। ले तेरे कपड़े भाई, वार हुई लेटगी, वे लेटगी। आपकी सिलेक्शन कुर्ती कहाँ है बाबू? नहीं आपकी सिलेक्शन कुर्ती, आपकी कुर्ती कहाँ है? कुर्ती दिखा दो चाचू को, अभी अभी जी है इसमें। ये साफ हो गए, ये धुलने हैं, ये ना गंदे हो रहे, ये गंदे हो गए, आपके पापा ने गंदे कर रखे। ये मेहमान आएंगे ना, मेहमान आएगा, बुआ आएगी। तो देख किट्टू क्या कहना चाहता है, मटर छिलन लग रही थी। अच्छा। इसने मटर छिल के पड़े पड़ा कर दिया और उस पर लौट गई। अच्छा मैं भी बता दूं, इसने दिए लगा रखे थे अपने मंदिर में सारे, इतनी ऊंची जोत कर दी थी धूना। अबे तू तो बड़ा हैवी ड्राइवर हो रहा है। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा तोड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा, कैसे दौड़ा ऐसे दौड़ा। ये घोड़ा देखिए मम्मी ने जो है मेरे रोटी सेक दी है। तुम्हें सदी पसंद है और चटनी तो यार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बस मैं थोड़े से आलू ले लूँगा बस, वे थोड़े से आलू दे दूँगा। हाँ भाई स्कूल नहीं गया था किट्टू? क्यों एग्जाम हो गए तेरे? अच्छा ये देखो क्या कर रही है, स्पाइडरमैन बन रही है। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन बन रहा है क्या? कीड़े कैसे चले? कीड़े कैसे चले? भाई 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 पक्की हो रही है तो पता नहीं क्या बता रहा है। देखे बाथरूम में जो है सब पर्दे रख दिए हैं, और जो हमारे दूसरे पर्दे हैं वे सब उतार कर जो है अभी साफ सफाई हो गई इनकी। कब करोगे अम्मी जी? कल दिन में सफाई होएगी पर्दों की। वाओ नाचो 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 बल्ले बल्ले। कर्टन है वो कर्टन। देखिए जो है मेरा जो है डिनर मेरा लग चुका है, तो अब मैं डिनर करूँगा। वाओ तो यही बैठ के करूँगा मैं डिनर, बाहर ही बैठ के डिनर करूँगा। हाँ मेरी चीज़ी है ये मेरी चीज़ी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। किट्टू ना खाली आप भी खाओगे क्या? गम है बहुत ज़्यादा, तो पहले से ठंडा करते हैं आप।
ठंडी हो गई, लो जल्दी लो जल्दी लो लो गिर जाएगी, लो जल्दी ठंडी हो गई। अच्छा आ जाओ आ जाओ, ओ मैं खाना खाने बैठा और बच गया। ये भी टूट गई, ये टूट गया, ये सिड्डू ऊपर से गिर गई, मैं बच गया। वो तो शुक्र है इसने तस्वीर ना बचा लिया मुझे को। वो मेरा हाथ नहीं चाहिए। बच गया मैं, बच गया। इस तस्वीर ने बचा लिया। वो तार है वो जो लगता है लॉकेट सा, जो कील में लगता है, बच गया आज तो, वरना सीढ़ी लगती सिर में। ये निकल गया इसका और मैं बच गया, सीढ़ी इसके ऊपर गिर गई जो हमारी तस्वीर है घोड़ों वाली, वरना सिर पर लगती आ गई। खाना खा बैठा था मैं। ये देखो इसका ये निकला है यहाँ से कुंडा, ये ऐसा था और ये फूक गया। अब क्या करें, इसका ही निकल गया। देखते कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं, टांगते हैं इसको। भैया है जो कोशिश कर रहा है इसका पैच मिल जाए, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है, कहीं मिल जाएगा, यहीं पे ही होगा कहीं। मिल गया, चलो फाइनली पैच भी मिल गया। अब देखते हैं होता है जुगाड़ या नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो है अब इसको इसके अंदर जो है लगाना है तस्वीर के पीछे। ये अचानक से एक्सीडेंट हो गया, पैच का क्या पैच इसके जो है अच्छे से होल्ड कर दूंगा इसको। रूही बाबू साइड में हो जाओ। रूही ये देख रही क्या हो गया। एक है इसके अंदर फेविक्विक से नहीं चिपक सकता है। चलो देखते होता है जुगाड़ या नहीं, अगर होएगा तब भी दिखाएंगे। ये परेशान करने लग रही चाचू को अपने। ये देखो कितनी सीरियस हो रही है। रूही क्या हो गया, कैसे गिर गई, कैसे कैसे गिरी, ऐसे गिरी। जो होल था उसमें तो ये सेट नहीं हुआ पैच, तो भैया ने दूसरा होल किया है छोटा सा, उसमें इसको फिट किया है, तो अब ये सेट हो गया है। अब इसको लगाएंगे हम। हो गया सेट, हो गया सेट, पहले जैसे ही हो गया। चलो इसको लगाते हैं अब। कुर्सी दिया वो। ये देखो भैया लगाने लग रहा है पेंटिंग। अगर ये पेंटिंग ना होती आज सीढ़ी भैया के सिर पे लग जाती। आज भैया को सात घोड़ों ने बचा लिया। ये लग गई पेंटिंग, हो गई फिट। चल खाना खा ले अब। पेंटिंग मैंने लगा दी और भगवान को शुक्र है मुझे ना बचा लिया, वरना सीढ़ी बिल्कुल सिर पे आके गिरती, बिल्कुल पक्का सिर पे। भैया बच गया मैं आज, बाल बाल, वरना सिर सर फट सकता था मेरा। भगवान को शुक्र है और अब जाकर जो है खाना खाऊंगा मैं। ये देखिए किट्टू भी खाना खा रहा है, पराठे खा रहा था किट्टू, अच्छे बन रहे हैं। इसको देखिए कैसे खड़ी है। क्या हुआ, क्या हो गया, चिज्जी नहीं दे रहे भैया, चिज्जी नहीं दे रहे भैया, मुँह में चिज्जी, ये चिज्जी खिलाओ भाई। ना करे इसके, ना करे। तो चलिए मैं खाना खा लेता हूँ, खाना खाने के बाद मिलता हूँ आपसे। ओके तो दोस्तों, तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा तो कमेंट करके बताना। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में बेल आइकन का ऑप्शन आ जाएगा, उसको जरूर ऑन कर देना, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग आते ही आपको
नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सबसे पहले जाकर फर्स्ट व्यूअर और फर्स्ट कमेंट कीजिए, जो फर्स्ट कमेंट करेगा मैं उसे रिप्लाई बैक जरूर करूँगा। तो जाइए जाकर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए यार, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी जाकर फॉलो कीजिए। तो अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मौज में रहिए, मस्ती में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। राम राम जी, जय बजरंग बली, जय श्री राम, बाय बाय।